स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने वीडियो के स्टार्टिंग में लिखा देख लिया होगा वीडियो के थंबनेल में कि यूपी पुलिस की जो फाइनलाइज डेट जो आ चुकी है, फाइनल हो चुका है कब से स्टार्ट होंगे फॉर्म भरने और कब से नहीं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि कितनी एज की छूट मिलेगी हमें और कब से कब तक का हमें ओबीसी सर्टिफिकेट चाहिए या एससी सर्टिफिकेट चाहिए और कौन कौन इस जो भर्ती में फॉर्म फिल कर सकता है, कौन नहीं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। तो फ्रेंड्स, अच्छे से जानकारी समझ रही है, वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिए। और फ्रेंड्स, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा मैं, यदि आप मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं और गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड कोई भी मतलब न्यूज़ सबसे पहले पाना चाहते हैं आप, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप और साथ में एक बेल का आइकन होगा सब्सक्राइब बटन के पास में, उसे भी क्लिक कर दिए जिससे कि आपको डायरेक्टली नोटिफिकेशन जाता रहे। तो चलते हैं फ्रेंड्स हम अपनी न्यूज़ की तरफ। तो फ्रेंड्स, ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है रात जो यूपी पुलिस की वेबसाइट से मैंने डाउनलोड किया था, ये तो इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ मैं आपको जानकारी दूंगा क्या एलिजिबिलिटी है क्या नहीं, तो कब तक जो है ओबीसी सर्टिफिकेट बनवाना है कब तक नहीं। तो फ्रेंड्स, पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसमें जो टोटल वैकेंसी आ चुकी हैं, तो फ्रेंड्स ये जो हमारी टोटल वैकेंसी है आप देख रहे हैं, ये जो 18,208 वैकेंसी जो पीएससी की जो है ये हैं, और जो आपकी जो आरक्षी नागरिक पुलिस है जो सिविल जो पुलिस है उनके लिए 31,360 वैकेंसी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कैटेगरीज वाइज जो है लिखा हुआ है, जैसे कि ये इसमें इसके अंदर सब कुछ लिखा हुआ है, जनरल की कितनी है, ओबीसी कितनी है, ये जो पीएससी के लिए है। तो फ्रेंड्स, और ये जो ऊपरले बॉक्स में है, ये ऊपरले बॉक्स में है, ये जो है सिविल पुलिस के लिए है कि कितनी वैकेंसी कितनी नहीं। तो फ्रेंड्स, ये वैकेंसी हमारी बात होगी कि कितनी वैकेंसी निकली है। तो फ्रेंड्स, करीबन ये निकली हुई है 49,500 कुछ करके निकली हुई है, आप काउंट कर लेना। तो फ्रेंड्स ठीक है, और ये हमारी वैकेंसी की बात होगी, आप चलते हैं आगे। तो फ्रेंड्स, तो इसमें हम जो है आपको बता दें कि मतलब कितनी एज मांगी हुई है कितनी एज नहीं। तो चलते हैं फ्रेंड्स एज पर। सबसे पहले फ्रेंड्स हम आपको बता देंगे फॉर्म जो स्टार्टिंग मतलब कब होंगे कब नहीं है। तो फ्रेंड्स, हमें जो ये देखना है इसके अंदर। तो फ्रेंड्स, आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 19/11/2018 मतलब 19 नवंबर से हमारे जो आवेदन है वो भरने स्टार्ट हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आवेदन अंतिम तिथि भी दी हुई है, आवेदन की अंतिम तिथि 8/12/2018। तो फ्रेंड्स, बहुत ही कम चलने वाले हैं फॉर्म, मुश्किल से चलेंगे ये आपके मान लो 19 दिन चलेंगे फ्रेंड्स से फॉर्म आपके, जो 19 दिन फॉर्म चलेंगे कुल। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही कम दिन है, तो स्टार्टिंग में जो आप जैसे फॉर्म निकलते हैं तो तभी आप फिल करा लें, क्योंकि साइट बहुत ही बिजी चलने वाली है इसकी, क्योंकि 19 दिन के अंदर जो है करीब भरे जाएंगे, करीब 25 से 30 लाख फॉर्म भरे जाएंगे यूपी पुलिस के। तो फ्रेंड्स, बिजी साइट चलने वाली है बहुत ज़्यादा, तो आप स्टार्टिंग में ही मतलब 19-20 तारीख को ही अपना फॉर्म फिल करा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको बता दिया है कि हमारे फॉर्म जो है कब से स्टार्ट हो रहे हैं और कब तक भरे जाएंगे। तो चलते हैं फ्रेंड्स आगे, आवेदन शुल्क। तो फ्रेंड्स, जैसे लास्ट वैकेंसी में थे हमारे जो 400 रुपये शुल्क है, तो वही सेम शुल्क रखा गया है, यहाँ पे आप शुल्क देख सकते हैं 400 रुपये मात्र है यहाँ पे, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब चलते हैं मतलब क्या छूट मिले क्या नहीं किस कैंडिडेट्स को। तो फ्रेंड्स, चलते हैं हम शैक्षिक अर्हता ही देख लेते हैं पहले, मतलब 12वीं पास होना चाहिए जो भी है इस वैकेंसी के जो इजिकल होना है, तो वो 12वीं पास चाहिए, आप देख भी सकते हैं यहाँ पे, ये 12वीं पास होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। और जो आहारताएँ जो मतलब अधिमानी जो है आहारताएँ जिनके जो एक्स्ट्रा अंक मिलेंगे, तो उसमें जो ओ लेवल का जो एक वो है संस्था, उससे ओ लेवल का कंप्यूटर का स्तर का जो प्रमाण पत्र हो, तो उसे थोड़ी सी छूट मिल जाएगी अंकों में 4-5% की, ठीक है फ्रेंड्स। और जो है ये सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि जो भी है ये छोड़ो आपके मतलब बनी है। तो फ्रेंड्स, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है आयु का, कि किसे छूट मिलने वाली है और किसे नहीं। तो फ्रेंड्स, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ है, जो इस कैंडिडेट्स ने लास्ट ईयर फॉर्म नहीं भर पाए थे या मतलब इस ईयर फॉर्म नहीं भर पाए थे, तो उन्हीं के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा हुआ है अभी जो ये जो नॉर्मल है जो एज है 18 से 22 जनरल की, और जो प्लस में 5 साल की ओबीसी की छूट मिलती है एससी एसटी की, वो ये तो नॉर्मल है कि 1/7/2018 को 18 वर्ष हो जानी थी। तो फ्रेंड्स, ये आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आपको छूट मिल रही है वो उसका आपको मैं दिखा देता हूँ। ये फ्रेंड्स, ये रही ये छूट वाला जो मैटर है ये है। तो फ्रेंड्स, आपको जो है इस ये कोर्स से पढ़ना है, और मैं भी आपको बता देता हूँ कि मोटा मोटा क्या है क्या नहीं। तो फ्रेंड्स, आपको जो है यहाँ से पढ़ना है ये यहाँ से पढ़ना है दिनांक 1/7/2018। तो मैं आपको बता दूँ, देखो
यहाँ से लेके और इसके बीच में जो है इसके बीच में उड़ना है। दिनांक 1/7/2008 को अधिकतम आयु 22 के स्थान पर 23 वर्ष तथा महिला हेतु दिनांक 1/7/2018 को अधिकतम आयु 25 वर्ष तथा स्थान पर 26 वर्ष जो है, मतलब एक एक साल की छूट दी। मान लीजिए आप जैसे कि जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आपकी 22 साल एज ली जाती है, तो एक साल की छूट मतलब 23 साल तक का जो कैंडिडेट्स है जनरल वो भर सकता है। मतलब 1/7/2018 को उसकी 23 साल जो है एज होनी चाहिए तो वो फिल कर सकता है इस फॉर्म को। तो ऐसी फ्रेंड्स ओबीसी में ही, ओबीसी में आपको 5 साल की छूट मिलती है, मतलब 22/5/27 होगी और प्लस में 1 साल की जो और छूट मिलेगी उसमें, जो मतलब 22/5/27 और एक 28 साल तक का जो कैंडिडेट्स है इसमें फॉर्म फिल कर सकता है, ओबीसी कैंडिडेट और एससी एसटी कैंडिडेट्स वाला। तो फ्रेंड्स ये थी आपकी जो आय की छूट, 1 साल की जो हमारी जो है आय की छूट मिली है इसमें, एससी एसटी जनरल सबको, सब कैंडिडेट्स को 1 साल की छूट मिली है। तो जनरल वाला 23 वर्ष तक का अप्लाई कर सकता है इस फॉर्म को और जो एससी एसटी ओबीसी वाला जो है 28 साल तक का अप्लाई कर सकता है इस फॉर्म को। तो फ्रेंड्स ये थी एज की बात। तो और तो इसमें जो है सब कुछ पुराने वाला ही है कि मतलब शैक्षिक जो योग्यता बता दी मैंने 12वीं, और जो चयन प्रक्रिया है पहले जो रिटन टेस्ट होगा और लिखित परीक्षा ये रही, मतलब सब्जेक्ट भी दिए हुए इसमें क्या क्या आएगा क्या क्या नहीं। तो यदि आप पढ़ना चाहो, वैसे तो आपको सबको पता होगा कि मतलब क्या क्या आता है यूपी पुलिस में क्या क्या नहीं, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं लिखित परीक्षा की जानकारी, यहाँ से सब कुछ दिया हुआ है इसमें कि मतलब क्या क्या सब्जेक्ट क्या क्या आएंगे क्या क्या नहीं। तो फ्रेंड्स ये थी जो हमारी जो है क्या क्या चाहिए और क्या क्या नहीं। तो फ्रेंड्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ रह चुकी है आपको, तो वीडियो के साथ बने रहिए। आपको एक चीज़ और बता दूँ मैं आपको कि हमारे जो ओबीसी सर्टिफिकेट जो एससी सर्टिफिकेट जो मांगते हैं वो कब का होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इससे आपका फॉर्म जो रिजेक्ट हो सकता है यदि आपने ये न्यूज़ अच्छे से नहीं समझी। तो फ्रेंड्स उसी के रिलेटेड मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे जो ओबीसी सर्टिफिकेट है कब से कब तक का होना चाहिए। तो चलते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे ऊंचाई सबको बताइए कि लंबाई कितनी होनी चाहिए, सीना वीना सबको बताइए, मैं बताऊँगा नहीं आपको। तो फ्रेंड्स सबसे नीचे चलते हैं हम, आरक्षण की जो बात है 5 साल की छूट मिलती है। देखो आपकी जो सब कुछ अन्य सब कुछ ओबीसी जो मैं आपको बता देता हूँ, देखो फ्रेंड्स कहाँ गई। ये रही फ्रेंड्स, मिल गई हमारी जो ये न्यूज, पांच वाली न्यूज पढ़नी है यहाँ से, ये वाली पांच न्यूज पढ़नी है, पांच वाली जो पांच नंबर पे जो है ये, यहाँ से आप यहाँ से आराम से अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ से ये ब्लैक हो रहा है, ये पढ़ सकते हैं आप ये वाला, यहाँ से अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण पत्र प्रारूप 1 1 अप्रैल 2018 या उसके बाद का, किंतु इस भर्ती हेतु निर्धारित आवेदन करने की अंतिम तिथि तक निर्धारित होना चाहिए। मतलब जो है जो 1 अप्रैल 2018 के बाद का जो है वो ही चलेगा, उससे पहले जिसने जिसी कैंडिडेट ने बनवाया था, जैसे किसी ने बनवाया है फरवरी में जनवरी में 2018 में ही बनवाया, उसका भी वैलिड नहीं रहेगा। तो फ्रेंड्स आपको बता दूं कि आप अपना जो है, यदि आपको ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं बनवाया है तो आप अपना ओबीसी सर्टिफिकेट बनवा लीजिए जल्दी से जल्दी, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत ही कम टाइम मिला हुआ है आपको फॉर्म भरने के लिए। तो आपको जो है फॉर्म जो है 19 तारीख मतलब 19 दिन ओनली आपको जो है दिन मिले हैं कि फॉर्म भरने की। तो फ्रेंड्स आप जो है 1 अप्रैल, जैसे कि मतलब हमारा जो है 8 दिसंबर तक है, 1 अप्रैल 2018 से लेकर और 8 दिसंबर 2018 के बीच में आपका जो है ओबीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए फ्रेंड्स। इसके बाद का या इससे पहले का मतलब कोई कुछ भी वैलिड नहीं रहेगा, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो फ्रेंड्स ये जो है गौर करने की बात है, आप इसी के जो है आप इसी के बीच में जो आपका ओबीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए तो आपको जब भी वैलिड हो गए। तो फ्रेंड्स ये जो है आप अपना ओबीसी सर्टिफिकेट बनवा लीजिए 1 अप्रैल 2018 के बाद का, या जो मतलब इस भर्ती क्रिया तक के जो एंड का मतलब 8 दिसंबर तक का, 1 अप्रैल 2018 से लेके और 8 दिसंबर 2018 के बीच में ही आपका जो है ओबीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये थी आपकी जो यूपी पुलिस भर्ती जो नई आई है उसकी ये पूरी जानकारी थी। आप जो समझ चुके होंगे कि ये पूरी जानकारी थी कैसे हमें जो क्या भरना है क्या नहीं भरना है, तो मैंने फ्रेंड्स इस वीडियो के अंदर आपको जो पूरी जानकारी बता दी है। तो फ्रेंड्स
ये न्यूज आपको कैसी लगी प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी हमारे चैनल को कर लीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स मैं टाइम से पहले ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड न्यूज़ लाता रहता हूँ। तो फ्रेंड्स वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, आप उस पर क्लिक कर दीजिए सब्सक्राइब बटन पे, और उसके बराबर में जो है राइट हैंड साइड में एक बेल आइकन होगा उस पर भी क्लिक कर दिए। तो फ्रेंड्स उससे क्लिक करने से ये फ़ायदा होता है कि आपको जो है यूट्यूब पे सर्च वर्च करना नहीं होता है, तो जैसे कोई न्यूज आती है तो मैं अपने चैनल पे अपलोड कर देता हूँ और वो डायरेक्टली अपने आपके जो फ़ोन में वो चली जाती है बिना किसी टेंशन के। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स और कैंडिडेट्स को भी जानकारी हो सके कि हमें जो ओबीसी सर्टिफिकेट कब का बनवाना है, हमारे जो फॉर्म है कब से स्टार्ट हो रहे हैं भरवाने, जो भी है संपूर्ण जानकारी है इस जो वीडियो में। तो फ्रेंड्स थैंक यू देखने के लिए।